हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंकित मैं और मेरा नाम है अंकित। और आज की वीडियो रेडमी नोट 8 यूजर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने रेडमी नोट 8 डिवाइस के लिए हाइपर ओएस अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, आप अपने रेडमी नोट 8 डिवाइस में हाइपर ओएस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो, वही बिल्कुल इजी तरीके से। तो गाइस वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली रेडमी नोट 8 डिवाइस के लिए। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, Redmi Note 8 डिवाइस के लिए बहुत पहली अपडेट क्लोज कर दिए गए थे, सॉफ्टवेयर अपडेट, और Redmi Note 8 डिवाइस को कोई सा अपडेट नहीं मिला था। तो गाइस, ये जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, ये एक कस्टम रोम है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो हाइपर ओएस की अपने Redmi Note 8 डिवाइस में। तो गाइस, इसे आप काफी इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने Redmi Note 8 डिवाइस का सारे डाटा का बैकअप कर लेना है। पहले से आपको अपने डाटा का बैकअप बना लेना है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको जो सारा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ मेरे पास कोई सा Redmi Note 8 डिवाइस तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ मैं आपको इस डिवाइस से प्रोसेस बताऊंगा जो कि 100% वर्क करेगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने Redmi Note 8 डिवाइस के लिए TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करना है। तो गाइस, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, फिर आपको करना क्या है, आपको अपने फोन को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको अपने फोन का वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन साथ में प्रेस करना है। जैसे आप साथ में प्रेस करोगे, आपके फोन में TWRP पे रिकवरी पे आपका फोन फास्ट फूड मोड पर आ जाएगा। तो गाइस, जैसे ही फास्ट मोड पर आ जाए तो आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। तो गाइस, फिर बाद में आपके सामने सबसे फर्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो आएगा कुछ इस टाइप का। तो गाइस, इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो सबसे फर्स्ट पेज आपके सामने इस टाइप का आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ आपको वाइप पे क्लिक करना है। जैसे आप वाइप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। तो गाइस, जैसे ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाए, फिर आपको करना क्या है, यहाँ आपको बूट वाला ऑप्शन, सिस्टम ऑप्शन और डाटा, ये तीनों सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लो तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ आपको स्विफ्ट टू बैकअप कर देना है। तो गाइस, जैसे आप इसे स्विफ्ट टू बैकअप कर दोगे तो आपका जो पूरा डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे आपका पूरा डाटा डिलीट हो जाए तो फिर आपको होम वाला बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप होम वाले बटन पर क्लिक करोगे तब आपके सामने ऐसा इंटरफेस दोबारा से आ जाएगा। तो गाइस, फिर आपको करना क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हाइपर ओएस अपडेट जो आप इंस्टॉल करोगे उसकी डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा। तो गाइस, आपको वहां से अपडेट को डाउनलोड कर लेना अपने डिवाइस में। फिर आपको करना क्या है, और गाइस, आपको अपडेट तभी डाउनलोड करना है जब आप ये पूरा डाटा रीसेट कर दो। फिर आपको दोबारा से ये प्रोसेस करना है, फिर बाद में आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ आपको सिंपली से इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाए तो यहाँ आपका नीचे की साइड हाइपर ओएस अपडेट आ जाएगा, जो मैंने आपको डाउनलोड की लिंक दी थी, जो आप डाउनलोड कर लोगे वो हाइपर ओएस अपडेट आ जाएगा। फिर आपको उस पर क्लिक करके स्वाइप कर देना है। तो गाइस, फिर वहाँ आपके सामने कुछ लिखने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ आपको यस टाइप करके ओके कर देना है। तब वहाँ आपका पूरा जिप होगी वो इंस्टॉल होने लगेगी। वहाँ आपका मिनिमम 10 मिनट लेगा उसे इंस्टॉल होने में, और जैसे ही वो आपकी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए एंड फिर आपका फोन रीबूट मोड पे चले जाएगा। तो गाइस, जैसे ही आपका फोन रीबूट मोड पे चले जाएगा और फिर जब सक्सेसफुली रीस्टार्ट होगा, तब आपके Redmi Note 8 डिवाइस में हाइपर ओएस अपडेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। और गाइस, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, 100% वर्क करेगा। तो आपको पहले तो अपना डाटा बैकअप कर लेना अच्छे तरीके से, फिर आपको इस प्रोसेस को ट्राई करना है। तो गाइस, इस प्रोसेस की हेल्प से जो आपका हाइपर ओएस अपडेट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपके Redmi Note 8 डिवाइस में। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने Redmi Note 8 डिवाइस में इस हाइपर ओएस अपडेट को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो, और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये 100% वर्क करेगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।